इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नीमचंद नायक, श्रीमती शील रानी नायक, वायु कुमार, श्रीमती मनीषा, श्री पवन कुमार, श्रीमती अर्चना, श्री मुकेश कुमार, श्रीमती प्रीति नायक, साकेत, आकांक्षा, महिमा, आकाश, अंबर, जिया, मोक्ष, गरिमा नायक, समस्त नायक परिवार बलहे, मयंक गारमेंट्स रहली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 अर्जव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या आर्यका श्री 105 मृदुमती माता जी की जन्मस्थली ग्राम बलहे तहसील गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश में 16 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियां श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस धर्म प्रभाव कार्यक्रम में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर एवं आशुतोष भैया जी लाल बर्रा के कुशल निर्देशन में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं इस कल्याणकारी कार्यक्रम के मनोरम दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 अर्जव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्य आर्यका श्री 105 मृदुमती माता जी की जन्म स्थली ग्राम बलहे तहसील गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश में 16 से 24 फरवरी 2023 के मध्य श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर एवं आशुतोष भैया जी लाल बर्रा के कुशल निर्देशन में सानंद संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ घटयात्रा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद महामहोत्सव के पात्रों का चयन किया गया। महामहोत्सव में प्रत्येक दिन के मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं चत्तारि मङ्गलं हरन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवली पणतो धम्मो मङ्गलम्। अभिषेक के उपरांत प्रभु शीश पर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं की गईं। इसी बीच समस्त श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य कर अपने भाव को प्रकट किया। ओम ब्रीमष्ट प्रात्यार मध्ये छत्रत्रय स्थापनम करोमि। ओम ब्रीमष्ट प्रात्यार मध्ये चतुष्षष्टि चमर प्रात्यार स्थापनम करोमि। ओम ब्री भगवन् निमिषेकांति विश्वादि विरांति प्योषा निरासहित पुनराप्ति अर्घम निर्भवामिति। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महामोह बिंदु सिनी भगवान। इसके पश्चात भक्तों ने विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर एवं आशुतोष भैया जी लाल बर्रा के कुशल निर्देशन में विधान मंडल के मध्य विराजित श्री जी के समक्ष श्रद्धा भाव से श्रीफल सहित अर्घ समर्पित किए। इसके पश्चात धर्म स्नेही बंधुओं ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अंतर सत्तु प्रबल जय उत्तम जिन्हें सोए। ओम श्री वरम जनो तुम्हारे नमार गंधर पामिदी। इंद्राद के पूजन चरण सेवत है त्यों का आल गणधराज सुत के बिली जिया क्या जित पार। ओम श्री मंदिर पृष्ठाय नमार गंधर पामिदी। रागादिक सत्पुरुष जी वीति रात निर्गंध तुमको सेवत जिन भय तारत कैसे पंत। ओम श्री मंदिर अधिपतियाय नमार गंधर पामिदी। देश जिन सर मुनि सर्वावर हंत द्रव्याक्षर वात्मा नमो सिद्ध भगवन।
इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। गुरुवर की मंगलवाणी करने के उपरांत भक्तों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां प्रदान की। यदि मैंने आपकी कोई पूजन स्तुति संस्मरण आदि किया और इसका कोई फल मिलता हो तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उन घरों में उन परिवारों में जन्म नहीं चाहता, उन हवेलियों में जन्म नहीं चाहता जहां पर धन वैभव बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हों, महल अटारियां बनी हों, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात पन्ना आदि के ढेर लगे हों। इसके पश्चात संध्याकालीन बेला में भक्ति में ओतप्रोत भक्तों ने नाच झूमकर मंगल दीपकों से प्रभु की आरती की। मुझे पापा की बार ले चलो, की बार ले चलो मुझे पापा की बार। प्रभु की मंगल आरती के उपरांत विधानाचार्य श्री ब्रह्मचारी नवीन भैया जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों को माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। आज तो बले वालों का भार हल्का हो जाना चाहिए। एक वर्ष तक जिनके आदिनाथ भगवान कुलिया में बैठे थे किनारे, एक वर्ष कितने, चार वर्ष, ओहो हो, चार वर्ष तक आदिनाथ भगवान कुठलिया में बैठे थे कुठलिया में, लेकिन आज खुशी होना चाहिए कि वो आदिनाथ भगवान नवीन जिनालय की नवीन मेदी में बैठ गए। इससे बड़ा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिख जाना चाहिए। हर साल कम से कम 3 दिन का महोत्सव बले वालों मना लेना। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब होता है सम्यक दर्शन। और वास्तव में सम्यक दर्शन इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि हे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरि। हे भगवान, मैं संसार में सभी जगह घूम आया, मैं संसार के हर जगह जाकर अपना सिर झुका चुका हूँ, संसार के हर लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन मैं जहाँ गया, जिसके पास गया, वहां से मुझे कोई सहारा नहीं मिला, कोई संबल नहीं मिला भगवान। लेकिन बस मैं जिस दिन से आपके पास आया हूँ, जिस दिन से मैंने आपका अभिषेक किया है, जिस दिन से मैंने आपकी शांति धारा की है, जिस दिन से मैंने दोनों हाथों से आपकी पूजा की है भगवान, उस दिन से मुझे इतना मिला कि मैं समेट नहीं पा रहा हूँ। स्वागत सम्मान के पश्चात सांस्कृतिक एवं नाटकीय मंचन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे। सुनो और शम्भे शिखर में तुमने देखा नहीं है, शम्भे शिखर में आहा पारस बाबा के दर्शन मिलते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान मेरे मैया उस पार लगा अगले दिन श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध लहरियों पर नृत्य कर अपनी भक्ति को प्रकट किया। इसके साथ ही 24 फरवरी के दिन का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त भक्तों ने अष्ट द्रव्यों के अर्घ समर्पित किए। आदिनाथ
मुनिषि आदिनाथ जिनेन्द्र अनर्घ पद प्राप्त अर् हमने पामती सजिया पूजन के मध्य ही श्रावक श्राविकाओं ने विश्व शांति की कामना से हवन में आहुतियां प्रदत्त की। ओम आनंद दर्शनाय नमः। ओम आनंद वीर्याय नमः। ओम आनंद सुखाय नमः। ओम विद्याय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अमराय नमः। ओम अशोक्याय नमः। इसके पश्चात भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु आशीष लेने के पश्चात भक्तों ने मंदिर के शिखर पर कलशारोहण करने के निमित्त श्री जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समाज बंधुओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। भक्तगण रथ एवं मंगल कलशों के साथ अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक धर्म प्रभावना करते हुए मंदिर जी पहुँचे, जहाँ मांगलिक गतिविधियाँ संपन्न की गयी। विधानाचार्य श्री ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के निर्देशन में मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। के बाद जिनवाणी चैनल के माध्यम से विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचारों को समाज के समक्ष रखा। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित पात्रों एवं गणमान्य लोगों का तिलक माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। श्री 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं मंडल प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, कलशारोहण, वेदी प्रतिष्ठा, इस प्रकार से सम्पूर्ण कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद, आचार्य आर्जव सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज, मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज बले जिला सागर तहसील गड़ाकोटा में बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। श्री दिगंबर जैन मंदिर ग्राम बले है तहसील गड़ाकोटा जिला सागर में भव्याति भव्य श्रीमद जिनेन्द्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान
एवं वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण महामहोत्सव का यह भव्यातिभव्य कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से यह परम सानिध्य हम सभी को विलोक सागर जी विभूत सागर जी महाराज का प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के सागर जिला में तहसील गड़ाकोटा के पास ग्राम बले जहाँ पर अति प्राचीन अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा भव्य जनालय स्थापित है। उस जनालय का जीर्णोद्धार हुआ, उस उपलक्ष्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। सिद्धों की इस आराधना में हमारे लिए बहुत आनंद आया। हमने लगातार 8 से 10 दिन तक सिद्धों की बहुत आराधना की और वेदी प्रतिष्ठा यागमंडल विधान आदि अनेक कार्यक्रम किए और पुण्य का अर्जन किया। और इस कार्यक्रम में हमारे परिवार को मैना सुंदरी एवं श्रीपाल और नाभिराय और मरुदेवी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्वागत श्रृंखला के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें जैन समाज के बच्चों ने जिनको जैन धर्म सुहाया जैन राज हो गए भक्तिमय गीत पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत भैया जी ने विधान के रचयिता श्री संतलाल जी का परिचय देते हुए इस विधान की विशेषता पर प्रकाश डाला। संतलाल जी की उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के संतलाल जी थे। और एक बहुत ही विशेष बात कि वहां पर सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने भारत का सबसे पहला IIT कॉलेज खुला था, इंजीनियरिंग कॉलेज। और वहाँ के यह पहली बैच के यह विद्यार्थी थे और जैन विद्यार्थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने भारत में यदि कोई सबसे पहला इंजीनियर हुआ तो यह संतलाल जी थे। और संतलाल जी अब इंजीनियर थे, तो इंजीनियर की तो वेशभूषा रहन सहन सब उनकी पढ़ाई उस टाइप की रहती है, लेकिन फिर भी संतलाल जी ने अपने जैन धर्म का अध्ययन किया और उन्हें इतना बड़ा ग्रंथ वही विधान लिखा। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 16 से 24 फरवरी 2023 तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का अवलोकन किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या अरेका श्री 105 मृदुमती माता जी की जन्मस्थली ग्राम बलहे तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी जबलपुर एवं आशुतोष भैया जी लाल बर्रा के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को सफल बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे किसी कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नीम चंद नायक, श्रीमती शील रानी नायक, वायु कुमार, श्रीमती मनीषा, श्री पवन कुमार, श्रीमती अर्चना, श्री मुकेश कुमार, श्रीमती प्रीति नायक, साकेत, आकांक्षा, महिमा, आकाश, अंबर, जिया, मोक्ष, गरिमा नायक, समस्त नायक परिवार बले, मयंक गारमेंट्स रहली।